हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक किताब है जिसे सरकारी चोपड़ी पाठ्य पुस्तक कहते हैं, टेक्स्ट बुक सामाजिक विज्ञान यानी SS कक्षा 6 स्टैंडर्ड 6 धोरण 6 द्वितीय सत्र यानी सेकंड सेमेस्टर। उसमें आप देखोगे तो कुल मिलाकर 13 यानी कि 13 लेसन यानी कि पाठ हैं और दो पुनरावर्तन मतलब रिविज़न। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्राचीन समाज जीवन। अब टाइटल जो शीर्षक हम पढ़ते हैं प्राचीन, तो उससे हमें पता चल जाना चाहिए कि बहुत ही पुराने दिनों की या महीनों की या सालों की बात है। और यहाँ पर प्राचीन यानी बहुत ज़्यादा पुराना, पहले का। तो पहले क्या था दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है, आई रिपीट, याद रखनी है, याद करना मत, याद रखना। इस पार्ट को अगर आप पढ़ोगे और समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें याद रह जाएगी, याद करना नहीं है। वेद 4 6, यानी पुराने ज़माने में 4 वेद थे, उन वेदों के हम लोग को नाम याद रखने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरी एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो 4 वेद थे उनमें सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ये जो हमारे वेद थे उनकी रचना यानी वो कब रचे गए थे, कब बने थे, तो लगभग ईस्वी सन पूर्व यानी ईस्वी सन से भी पहले 3000 से 3500 वर्ष पहला। तो इतने पुराने हैं ये वेद। तो इन वेदों के आधार पर ये पाठ बना है और हमें समझना है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऋग्वेद जो हमने देखा कि सबसे पुराना है, तो उस वेद के अंदर 1000 से भी ज़्यादा ऋचाएँ हैं। अब ऋचा और उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, सूक्त, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये जो मेन जो हमारे पॉइंट हैं अगर वो आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल आए, कोई कहीं से भी पूछे, कोई कैसे भी पूछे, चाहे ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, आपको वो जवाब आ जाएगा। बस ख्याल ये रहे कि जो मेन जो हमारे मुद्दे हैं वो हमें याद रखने हैं, जो पॉइंट है उस पर हमें तवज्जो देनी है। यहाँ पर हमको एक और चीज़ याद रखनी है कि वैदिक मंत्रों, ये जो वेद बने थे उसके जो वैदिक मंत्र थे, तो मंत्रों ना दृष्टा ऋषि होता, यानी पहले के ज़माने में ऋषि मुनि थे, या हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं पहले भी। और ये लोग क्या करते थे, ऋचाएँ जो उनको याद रखनी रहती थी, जैसे अभी आप सवाल जवाब याद करते हो, स्पेलिंग याद करते हो, टेबल्स यानी कि घड़ी याद करते हो। पहले के ज़माने के जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, जिन्हें शिष्य कहा जाता था, जो ऋषि मुनियों के पास जाके पढ़ते थे, तो उस टाइम कैसे पढ़ते थे कि आचार्य विद्यार्थियों ने ऋचा अक्षरों अने शब्दों में वहचीने, यानी अक्षर और शब्द दोनों को डिवाइड करके सस्वर गान करावी ने, यानी सस्वर गान यानी कि गाने के रूप में तब्दील करके वो गवा करके याद करवाते थे, नित्य पाठ द्वारा यानी हर रोज याद करवाते थे, कंठस्थ करवाता था यानी याद कराते थे। तो मोटा भागना सूक्त ना रचनाकार, यानी जितने भी ये सूक्त जो रचे गए हैं, सूक्त किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के समूह को, ये हमने देखा। तो जो भी सूक्त हैं उनके तो जो रचनाकार थे और जो सीखनार यानी जो सीखने वाले या सिखाने वाले जो भी जितने भी लोग थे वो सब कौन थे, पुरुष, यहाँ पर सारे पुरुष थे। और थोड़ी प्रार्थनाओं ने ज्ञाता स्त्रियों पर अड़ती, यानी कुछ ऐसी ऋचाएँ, कुछ ऐसे सूक्त थे जिनकी ज्ञाता यानी जिनकी जानकार वो स्त्रियाँ यानी लेडीज़ भी थीं। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि ऋग्वेदनी भाषा प्राक संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत कहवाती, और हम ये जानते हैं कि संस्कृत हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी भाषा है। हमें इस पाठ में एक और चीज़ याद रखनी है, एक तो ये है कि इतिहासकार ऋग्वेद नो अभ्यास केवी रीते करे छे, तो किस तरह से वो इसकी स्टडी करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा मुद्दा है, आप 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमको वैदिक समाज जीवन यानी उस समय का जो समाज जीवन था, लोग कैसे जीते थे, उनके रीत रिवाज, उनके नीति नियम, उनके रहने की जो रीत थी, किस तरीके से वो लोग जीते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, वो सारी बातें भी हमको इस पार्ट के ज़रिए पता चलती है। और जितनी भी बातें हमको इस पार्ट में से पता चलती है
वही हमारे सवाल, वही हमारा आईएमपी। इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स। एक और चीज़ हमें यहाँ इस पार्ट में याद रखनी है कि लोगों ना खान पान विषय परस्पर भिन्नता, खान पान मीन्स खाने पीने की चीज़ें। तो एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि पुरातत्वविदों एवं माने छे कि कंकाल यानी कि हाड़पिंजर नी साथे मरेली वस्तुओं मरेली व्यक्ति नीज हसे, यानी जो लोग गुजर जाते थे और उनको जो दफनाया जाता था तो साथ में कुछ चीज़ें भी कब्र में डालते थे ये लोग। ये हम लोग कुछ मूवीज़ में भी देख चुके हैं। तो क्यारे क्यारे के एक कबर नी तुलना में बीजी कबरों में थी वधु वस्तुओं मड़े से, यानी कुछ कबरों में कुछ कम चीज़ें और कुछ में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म माथी एक व्यक्ति नी कबर में 33 सोना ना मणका अन शंख मड़ा है, यानी सोने की चीज़ें मिली है। अने जारे बीजा हाड़पिंजरों पास थी मात्र केटलाक माटीना ज वासणों मड़ा था। अब कॉमन सेंस की बात है कि सोने की चीज़ मिली है तो हो सकता है कि किसी राजा की हो या फिर किसी अमीर इंसान की कबर हो या किसी ऐसे कोई माल मिलकत वाला की कबर हो, कोई व्यापारी हो या ऐसा कोई, और जिनकी कबर में से क्या मिला है माटीना वासना यानी मिट्टी के जो चीज़ें मिली है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो किसी गरीब की ही कबर होगी। तो आ दफना वेला लोगों ने सामाजिक स्थिति में रहेली भिन्नता दर्शावे छे। केटलाक लोग अमीर हता तो केटलाक गरीब हता, वो तो आज भी है दोस्तों, कोई मिडिल क्लास है, कोई गरीब है और कोई अमीर है। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी है कि इनाम काम स्थल भीमानी सहायक नदी घोड़ना किनारा नी एक जगह छे। तो ये सेंटेंस भी हमें याद रखना है। तो आज जगह पर ईस्वी सन पूर्व यानी ईस्वी सन से पहले 3630 2700 पहला लोगों रहता था, यानी लोग उस समय वहाँ पर रहते थे, जिसके कुछ प्रूफ मिले हैं, पुरावा मिला छे। अब घनी बार तेमने घर नी अंदर ज दफनावा मा होता, यानी कब्रस्तान नहीं ले जाते थे, घरों के अंदर ही दफना देते थे। वजह क्या है ये हम जानते नहीं हैं, और हमें अगर जानना है इस पार्ट में तो नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप गूगल के जरिए यूट्यूब के जरिए भी जान सकते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, तो फिर हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है दोस्तों कि दफनावा में आवेला शब, शब यानी लाश, जो गुजर जाते हैं उन्हें शब कहते हैं। तो शबनी बाजू में वासणों पर मड़ी आया है जे कदाच तेमना भोजन के पानी माटे ना होय। तो इनाम गाम में पुरातत्वविदों ने, यानी जो इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों ने घाव, जाओ, चोखा, दाल, बाजरा अने तलना भी मड़िया छे। तो इससे पता चलता है कि लोग ये चीज़ें खाते थे। उपरांत केटलाक जानवरों ना हाड़का पण मड़िया छे। तो बस इतनी सी बात इस पाठ में हमको समझनी थी। अगले वीडियो में हम अगला पाठ समझेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पाठ को आप एक से ज़्यादा बार पढ़ना, यूट्यूब पर जाकर आप वीडियोस भी देखना, और मेरे इस वीडियो को भी आप हो सके तो दो चार बार देख लेना, ताकि ये जो पूरा पाठ है आपके जहन में अच्छी तरह से उतर जाए।